हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड, वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। आज हम बात करेंगे ऐसे फाइव विटामिंस के बारे में, ठीक है। फाइव विटामिंस जो कि आपको लेने चाहिए अगर आपको अपने हेयर शाइनी बाउंसी और बढ़िया क्वालिटी बढ़िया टेक्सचर में चाहिए, ठीक है। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली ब्यूटी हेल्थ और ब्लॉग्स सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। देखिए क्या होता है ना, हेयर हमारे जो ज़्यादा टूटते हैं, बालों का झड़ना जो ज़्यादा होता है, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या कारण हो सकता है, ये एक बार डॉक्टर पूरा कंसल्ट करके आपको बताएगा। लेकिन अगर आप अपने बालों की केयर करते हैं तो आप है ना उस चीज़ को प्रॉपरली समझेंगे कि आपको कौन से विटामिंस लेने चाहिए। मैं आज पांच ऐसे विटामिंस के नाम बताऊंगा जो कि आपको लेने चाहिए, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वो फाइव विटामिंस किस में अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं, विटामिन B12। भैया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। B1, B2 और जितना विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो होता है पर्टिकुलर आपकी पूरी हर चीज़ में अवेलेबल रहता है, आपके मिल्क में अवेलेबल रहता है, जितने भी आप होल ग्रेन फूड खाते हैं उसमें अवेलेबल रहता है, ड्राई फ्रूट्स में अवेलेबल रहता है। तो विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 के बारे में अगर हम बात कहें तो ये एक तरह से वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपने विटामिन बी लिया, आपका जितना विटामिन आपकी बॉडी को ज़रूरत होगा वो विटामिन बी अपनी बॉडी में रखेगा, अदर आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, पर्टिकुलर जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं इनिशियली हम उन्हें स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है कि विटामिन B12 करता क्या है, तो विटामिन B12 के बारे में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर वो आपके बालों में टेक्सचर से लेकर आपके हेयर लॉस तक सारी चीज़ें मेंटेन करता है, ठीक है। आपकी अगर हम जो चीज़ें देखें, आप डाइट अगर आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, विटामिन बी जो रहता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं सिंथेसिस, हेयर फॉलिकल को सिंथेसिस होने में, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए प्रीकर्सर, एंजाइम प्रीकर्सर, हार्मोनल प्रीकर्सर, ठीक है, विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है B12। सेकेंड विटामिन के बारे में हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी एक तरह से अगर हम कहें तो आपने बोला हुआ इम्यूनिटी गेन करता है, या फिर अगर हम कहें कि आपका कॉलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट द विटामिन सी। किस तरह से लेना है, बहुत सारे जितने भी सिट्रस फ्रूट रहते हैं उसके अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। एक दो नींबू का अगर आप डेली सेवन कर लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर परफेक्टली एक बैलेंस्ड अमाउंट में आपको विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा विटामिन अगर हम बात करें तो बायोटिन, ठीक है। बायोटिन अगर हम बात करें तो एग में, मिल्क में, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बायोटिन बहुत अच्छा मिलता है। बायोटिन अब क्या करता है, बायोटिन एक तरह से प्रोटीन है रहता है। हमारा जो हेयर रहता है कॉलेजन क्रिएटिन, जो हेयर नेल्स जो बनते हैं इसके लिए अगर हम कहें ना कच्चा माल जो रहता है रॉ मटेरियल, ठीक है, वो बायोटिन एक तरह से सप्लाइंग का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथा जो विटामिन होता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन आपने देखा होगा एक हेयर फॉलिकल्स होता है उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ग्लैंड्स का प्रोडक्शन होता है, ग्लैंड्स में जो सीबम बनता है, एक हेल्दी हेयर्स की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ रहती है वो विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा हद तक मेंटेन करके रखता है। तो विटामिन ए अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन रहता है। अगर आपके बालों को नेचुरली शाइनिंग चाहिए, अगर प्रॉपरली आपको बोलते हैं ना कि एक फ्रीजी बाल ना हो, आपका प्रॉपर शाइनिंग आती रहे बालों में, कई लोग का बोलते हैं कि मेरे ड्राई हेयर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो विटामिन ए की कमी से आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई रह सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन रहता है विटामिन ई। अगर आप कहेंगे तो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं ग्रीन कलर के, जो कि लोग अक्सर हेयर मास्क में लगाते हैं, तो आप उनको खा भी सकते हैं। और विटामिन ई की जो रहता है बहुत सारे फूड्स में अवेलेबल रहता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हो। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि कौन से पांच ऐसे विटामिन रहते हैं जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो होप्स आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।